सो गाइस डिक्शनरी क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स पी का 25 वीडियो। इस वीडियो में आप लोग को हम 7 नए वर्ड सिखाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसमें आज का जो सबसे फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वो है आप लोग का पैंटोफेजिस्ट। पैंटोफेजिस्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स सर्वभक्षी प्राणी। ओके, पैंटोफेजिस्ट का मतलब सर्वभक्षी प्राणी, PANTOPHAGIST। दूसरा वर्ड फ्रेंड्स पैंट्री। पैंट्री मीन्स होता है फ्रेंड्स भंडार घर। ओके, पैंट्स। यहाँ पर जो तीसरा वर्ड है आप लोग का पैंट्स। पैंट्स मीन्स होता है फ्रेंड्स पतलून। ओके, यहाँ पर चौथा वर्ड है आप लोग का पनर्जी। पनर्जी मीन्स होता है फ्रेंड्स सब प्रकार के काम करने में कुशलता। आप लोग यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। पनर्जी का मतलब सब प्रकार के काम करने में कुशलता। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड है आप लोग का पॉप। पॉप मीन्स होता है फ्रेंड्स स्तन का अग्रभाग। ओके, स्तन का आगे का भाग। या फ्रेंड्स पॉप का मतलब बच्चों का मुलायम भोजन भी कहते हैं आप लोग एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड है आप लोग का पापा। पापा तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि अब्बा होता है फ्रेंड्स या पापू। ओके, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड है आप लोग का पोपा। पोपा मीन्स होता है फ्रेंड्स तार की तरह का एक वृक्ष। ओके, PAPAW। सो गाइस एक बार और रिपीट करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड बताएं आप लोग को पैंटोफेजिस्ट सर्वभक्षी प्राणी होता है। पैंट्री मीन्स होता है बताया आप लोग को भंडार गृह या भंडार घर। पैंट्स मीन्स होता है फ्रेंड्स पतलून। पैनर्जी मीन्स होता है फ्रेंड्स सब प्रकार के काम करने में कुशलता। पॉप मीन्स होता है फ्रेंड्स स्तन का अग्रभाग या आगे का भाग। पापा जो कि अब्बा या बापू होता है या बापू। पेपा जो कि तार की तरह का एक वृक्ष होता है। सो गाइस आगे मिलते हैं आप लोगों से पी का 26 वीडियो में।